आज विगत 4 वर्ष बीत गया और कहीं ना कहीं हम स्वच्छाग्रही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस सरकार के खिलाफ हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, ये जान लीजिए। हम लोग इस सरकार से ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम लोग हर दफ्तर, हर जगह, हर दफ्तर का चक्कर हम लोगों ने काटा अपने मानदेय के लिए, लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अगर यही स्थिति रह गई, यही व्यथा रह गई, तो हम लोग जहर खा करके मर जाएंगे। इस सरकार के, इस योगी और मोदी सरकार के कार्यकाल में हम लोग जहर स्वच्छाग्रही लोग जहर खा करके मर जाने के लिए मजबूर हैं, जिस तरह से हम लोग प्रताड़ित हैं, ये जान लीजिए। हमें सरकार से बहुत आकांक्षाएं थी कि हम लोगों को कुछ ना कुछ रोजी रोजगार दे रही है सरकार, और हम लोगों को भी ये रोजगार मिला है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को रोजगार ना देकर के ठगने का काम कर रही है। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज देख रहे हैं आप। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर जो स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाए हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए हर तरह से जद्दोजहद किए हैं, हर तरह की कठिनाइयों का सामना किए हैं, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ है, जिसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है, जो समस्याएँ हैं, आज हम उसे दिखाएँगे कि किस तरह से जो स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया है। वो आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे हैं। इनको आपको बता दें कि शुरुआत में 2018 में जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, तो इस दौरान इन्हें पर डे लमसम 250 रुपये के करीब देने के लिए कहा गया था पर डे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हालात हुए कि वो भी नहीं मिलने लगा। आज लमसम 1 साल हो गया है, लेकिन इन्हें अपना जो मानदेय बोला गया था वो भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो स्वच्छ भारत मिशन में जो काम कर रहे हैं उनको 14,000 के ऊपर दिया जाए। 14,000 तो दूर है, जो 2018 में जो बोला गया था, जो निश्चित किया गया था, वो भी नहीं मिल रहा है। हम बात करेंगे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, इनसे बात करेंगे। जी भैया, क्या कुछ है? मैं रमाशंकर तिवारी, जनपद सुल्तानपुर से हूँ, और मैं इस स्वच्छ भारत मिशन प्रदेश कमेटी का प्रदेश कार्यवाहक हूं, और मेरे ही नायक नेतृत्व में यह प्रदेश जो है धरने पर बैठा हुआ प्रदेश के सभी स्वच्छाग्रही, और क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की समस्या है कि हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को आज पूरे विश्व में हमारा देश स्वच्छता के पैमाने में सबसे अव्वल दर्जे पर माना जा रहा है। यह हमारी सरकार भी दावा कर रही है और हम भी दावा करते हैं, लेकिन सरकार क्यों हमें अनदेखा कर रही है? 4 साल से हमें काम कराया, और आज जब दैनिक काम के साथ साथ हम निश्चित मानदेय की मांग करने लगे, तो हमारे विषय को अनदेखा कर रही है। अगर सरकार को इस तरीके से हमारे साथ करना था, तो हमें 4 साल पहले अपने साथ जोड़ करके काम क्यों कराए? वो हमारे लोगों के शोषण क्यों किए गए 4 साल? अगर 4 साल हम कहीं और कोई काम किए होते, किसी प्राइवेट संस्था में काम किए होते, तो आज हमारे परिवारों के भविष्य कुछ और होते। हम सरकार से सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पर वह हमें दैनिक नियमित मानदेय हमें हमारा लागू करवा दे, हम धरना समाप्त कर देंगे। अगर नहीं करती है, तो हम इसके बाद आगे भी बृहद धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे। कल 21 तारीख को हमारा बृहद धरना प्रदर्शन है, जिसमें कि 10,000 स्वच्छाग्रही आ रहे हैं पूरे प्रदेश से, और अगर सरकार इन विषयों को नहीं गंभीरता से लेती है, तो हम 10,000 लोग यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे। पहले कितना दिया जाता था, पहले कितना बोला गया था 2018 में, जब स्वच्छ भारत अभियान का गठन किया गया था, हर जगह साफ सफाई की जा रही थी, जिसका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है, लेकिन उस टाइम में कितना बोला गया था? उस टाइम में रोज के हिसाब से 250 रुपया पर डे प्लस यात्रा भत्ता अलग, टोटल मिला के 9,000 समथिंग बैठता था जी। वो कब तक सही से मिलता रहा? वो लगभग 1 वर्ष तक तो सही चलता रहा उसका मामला, लेकिन 1 वर्ष के बाद धीरे धीरे उसमें अनियमितीकरण आना चालू हो गया। अभी कब तक, कितने दिन से नहीं मिला है? अब तो इस समय हमें लगभग 8 से 10 महीने हो गए भुगतान नहीं किया गया है। सिर्फ हम जब जिले पर जाते हैं अपने भुगतान के लिए, उस समय हमें निर्देश मिलता है कि भाई अभी पैसा नहीं आया है, आ जाएगा बजट SBM का तो हम आपको भुगतान कर देंगे। फिर क्या हमारे SBM का जो स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण का जो पूरे स्टेटों में स्टेट लेवल से जिलों में खाते खुले रहते हैं, उन खातों के पैसे जो है रिटर्न मंगवा लिए सरकार ने। ये तमाम तरीके की बातें हमारे विभाग के अधिकारी कहते हैं हमसे। सर, समस्या हमारी ये है कि हम स्वच्छाग्रही 2017 से अपना काम कर रहे हैं, कार्यरत रहे हैं फील्ड में काम भी किए हैं सर, और सर हम अपने मानदेय के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमारा जो मानदेय है वो हमारा फिक्स किया जाए।
हम फतेहपुर जिला और भिटौरा ब्लॉक से स्वच्छाग्राही यहाँ पे आए हुए धरना प्रदर्शन के लिए। काफ़ी दिनों से हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग को मानदेय नहीं दिया गया है और हमें मानदेय की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अगर मानदेय हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे आगे चल कर के ही। तो हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमें मानदेय मिलना चाहिए और बाकी हमें कुछ नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमें मानदेय नहीं मिलेगा तो हम फिर आगे चल करके और कुछ कर सकते हैं। आप लोग काम क्या क्या करते थे ये कोई बताए, काम क्या क्या करते थे ये चीज़ें, काम का भी वर्णन होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की जो योगी आदित्यनाथ पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पूरा स्वच्छ हो गया, तो क्या कुछ नहीं। हमारा नाम सुनीला है, हम फतेहपुर ज़िले से हैं। ये कि हम काम, हमारा काम ये था, सरकार हमें पहले से बताई थी कि काम ये बताई थी कि आप शौचालय का निर्माण करवाइएगा सब लोगों को, जो हमारे गांव में बाहर शौच के लिए महिला जाती थी, पुरुष जाते थे, तो हमारा सबसे सफाई अभियान का काम था कि वो हमें हर लोगों को रोकना था, उनको प्रेरित करना था कि वो शौचालय खुले में शौच ना करें। हमने तो मुक्त करा दिया उन्हें, हमारा गांव ODF हो गया और कूड़े कचड़े में भी काम हम एक दो बार हमें लगाया गया कि यहाँ जो संबंधित कूड़ा कचरा लोग बाहर डालते हैं वो भी कूड़ा कचरा बाहर ना डालें, हमने इनके विषय में भी बंद करवाने कहा, सब लोगों से किया काम। लेकिन अब हमें सरकार मानदेय क्यों नहीं दे रही है, हमें बस मानदेय की ज़रूरत है कि हम जैसे भी हैं हमें काम दिया जाए, हर रोज का हम मानदेय दिया जाए। काम लगातार करवाया जा रहा था, स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया गया, जिसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ पूरी अपने कार्यकाल में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एकदम स्वस्थ हो गया है, हर जिले में शौचालय बन गए हैं, गांव-गांव तक शौचालय बन गए हैं, खुले में शौच होना बहुत ही कम हो गया है, जिसका आप लोगों ने लगातार इस चीज़ के लिए प्रेरित किया लोगों को कि हाँ मतलब शौचालय खुले में शौच ना करें, यहाँ तक कि शौचालय निर्माण में भी आप लोगों का काफ़ी योगदान रहा। तो ये बताइए कि इतना कुछ काम करने के बाद में आज योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें, सबको शौचालय, मैक्सिमम लोगों को शौचालय मिल चुका है, खुले में शौच होना कम हो गया है, तो काम हो गया है इसकी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्या वजह है? नहीं, कुछ तो काम भी हुआ है, कुछ काम भी हुआ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों का काम जो है अब दूसरों को दिया जा रहा है, वो हमसे नहीं कराया जा रहा है, और हम लोगों के परिवार आज भूखे मरने के मजबूर हैं। अभी जब कोरोना काल चल रहा था, कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा था, तो हम लोगों से बोला गया, हम लोग घर घर जाकर वैक्सीन के प्रति मोटिवेट किए हैं, वैक्सीन लगवाए हैं, वो दिन भूल गया सरकार है, हम लोगों को आज बेरोजगार करे बैठी हुई है, वो हमसे पूछिए। और कोविड काल में भी लगातार आपने अपना काम किया, घर बार छोड़ के अपनी जान की ना परवाह करके लगातार कोविड काल में लोगों को प्रेरित किया, पहले शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया, सफाई के लिए प्रेरित किया, फिर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया, लगातार हर चीज़ में आपकी मुहिम लगातार जारी रही, लेकिन इतना अनदेखा क्यों किया जा रहा है? जैसा कि इन्होंने कहा कि अब दूसरे लोगों को विभाग में लाया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम करने के लिए दूसरे लोगों को लिया जा रहा है, आप लोगों के साथ ऐसा अनदेखा क्यों किया जा रहा है? जी, मैं रोहित कुमार गुप्ता जनपद बस्ती से हूँ। जी, मैं विगत 2017 से इस कार्य में लगा हूँ, सात दिन का मतलब एक आवासीय प्रशिक्षण के अंतर्गत हम लोगों को CLTS के बारे में विधिवत समझाया गया, ट्रेनिंग पूरा मोटिवेशन किया गया, हम लोग मतलब कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, मतलब एक वर्षों तक 2018 तक हम लोग नियमित कार्य किए, कुछ पैसा भुगतान भी दिया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हम लोग अपने भुगतान के मानदेय की बात करते थे तो वहाँ से ब्लॉक से हम लोगों को कहा जाता था जिले पर जाइए, हम लोग जिले पर जाते थे तो फिर वो ब्लॉक पर भेज देते थे, इस तरह से हम लोग को फुटबॉल की तरह बना दिया गया, एक बार जिले पर मारो तो जिले पर जाते थे, जिले से फिर ब्लॉक पर आते थे, लेकिन हम लोगों का कोई भी भुगतान दिया नहीं जाता था। हम लोग बहुत ही परेशान होकर के, मैं दो बार मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुका हूँ गोरखपुर में जाकर के, पहले लब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा आप लोगों की समस्या हम देखते हैं, दूसरी बार जब हम लोग मिले तो उन्होंने सीधे आदेश दिया सारे DM को, फिर कुछ भुगतान हुआ उनके मतलब डंडा देने पर कुछ भुगतान अधिकारियों ने किया, लेकिन फिर उसके बाद अधिकारियों का वही रवैया रहा, हमारा मतलब ब्लॉक से लेकर के जिले तक सिर्फ हमारा शोषण हो रहा है इस कार्यक्रम में। आज विगत 4 वर्ष बीत गया और कहीं ना कहीं हम स्वच्छाग्राही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, इस सरकार के खिलाफ हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, ये जान लीजिए हम लोग इस सरकार से ठगा हुआ महसूस करते हैं, हम लोग हर दफ्तर, हर जगह, हर दफ्तर का चक्कर हम लोगों ने काटा अपने मानदेय के लिए, लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अगर यही स्थिति रह गई, यही व्यथा रह गई, तो हम लोग जहर खा करके मर जाएंगे, इस सरकार के, इस योगी और मोदी सरकार के कार्यकाल में हम लोग जहर, स्वच्छाग्राही लोग जहर खा करके मर जाने के लिए मजबूर हैं, जिस तरह से हम लोग प्रताड़ित हैं ये जान लीजिए। हमें सरकार से बहुत आकांक्षाएं थी कि हम लोगों को कुछ ना कुछ रोजी रोजगार दे रही है सरकार, और हम लोगों को भी ये रोजगार मिला है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को रोजगार ना दे करके ठगने का काम कर रही है।
मतलब इतना लंबा वक्त हो गया है जी भाई, इसमें कितने आदमी काम करते हैं लमसम, कितने आदमी हैं जो इसमें स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे हैं? समय सरकार का जो रेशियो है, जो उनके सचिव जी का रेशियो, जो उनके पास पत्रांक पड़े हुए हैं, जो लिखित में उनके पास दस्तावेज पड़े हुए हैं, वो 70,000 के हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग के साथ अनियमितता बरतते जाने के कारण वो छोड़ दिए, लेकिन फिर भी 58,000 लोग आज भी उत्तर प्रदेश में लगातार कार्य कर रहे हैं इस मिशन को और भी ज़्यादा सक्रिय और स्वच्छ करने के लिए। ये पूरे 75 जिलों की समस्या है जी, ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की समस्या है और सबकी यही व्यवस्था। यहाँ मेरे साथ लगभग 10 जिले के लोग बैठे हैं और कल तक हमारे साथ 40 जिले के लोग और भी आ रहे हैं 21 तारीख को यहाँ बैठने के लिए धरने पर। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो स्वच्छ भारत मिशन में हर तरह से काम किए, स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया, जिसके बाद में आज गांव में शौचालय बने हुए हैं, गांव भी स्वच्छ हो रहे हैं, जिसके पीछे का जो भी काम था इन्होंने किया, जिसके बाद में मानदेय की जब बात आती है तो मानदेय इन्हें नहीं दिया जा रहा है। शुरुआत में एक साल तक सही रहा, फिर धीरे धीरे ढिलाई की करे जाने लगी, फिर उसके बाद में आज लमसम एक साल हुआ जा रहा है इनको मानदेय नहीं मिला, जिसके कारण ये आज इको गार्डन में डटे हुए हैं। ये पूरे 75 जिलों की समस्या है, 75 जिलों से जो स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आचार संहिता से पहले इनकी मांगें पूरी की जाती हैं या फिर ऐसे ही इनका धरना लगातार बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन इमरान हैदर के साथ मयंक तिवारी, लिम्रा न्यूज़, लखनऊ।